नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर राकेश प्रजापति। ये वही शख्स है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मैं शूद्र हूं का पोस्टर लगाया था। आप क्यों शूद्र कह रहे हैं? बाबा साहब ने तो हमें SC ST OBC अब संविधान लागू है, अब कहां मनुस्मृति और का राज है? जो चौपाई है रामचरितमानस की, इस रामचरितमानस की चौपाई में जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सौपच किरात कोल कलवारा, ये चौपाई लिखवाई थी और इसे बैन करने की मांग की थी, इसे हटाने की मांग की थी, नहीं तो रामचरितमानस को बैन करने की मांग की थी। और मुझे इसी के लिए मुझे कल जो है एक धमकी भी मिली है जान से मारने की। तो क्यों आप लोग रामचरितमानस का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आप लोग तो हिंदुओं में हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, रामचरितमानस का मुद्दा नहीं उठा रहे, ठीक है। पहले तो हम हिंदू की बात करें, हिंदू के में शुरू से ही वर्ण व्यवस्था लागू थी। चार वर्णों में बांटा गया समाज को, वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, वर्ण और शूद्र वर्ग। आखिर ये बताइए, उस वाल्मीकि की क्या गलती थी उसे इतना गंदा काम दिया गया? उस जाटल समाज की क्या गलती थी उसे इतना गलत काम दिया गया? आखिर ये वर्ण व्यवस्था क्यों लागू की गई? और मलाई वाले जो काम है वो अच्छे अच्छे लोगों ने ले लिए, और जितने भी शूद्रों वाले काम या दलितों वाले काम, छूत अछूत जैसी स्थिति इस देश में लागू की गई, और मतलब शिक्षा से वंचित रखा गया, सदियों से युगों तक शिक्षा से किसने वंचित रखा रखा, गया। किसने रखा, जाति किसने बनाई? नहीं, तुलसीदास ने अब बनाई। तो तुलसीदास ने बताई कि अब तो RSS के प्रमुख ही कह चुके हैं कि ब्राह्मण, देखिए इसके यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण जो है RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनकी उनके उनकी बुराई नहीं कर रहा है, जबकि मोहन भागवत ने भरे मन से ये कहा है कि ब्राह्मण ने जातियां बनाई। तुलसीदास भी चूंकि ब्राह्मण थे, तुलसीदास दुबे नाम उनका पूरा था, तुलसीदास जी ने आखिर इस रामचरितमानस में लगभग 170-176 लगभग जो है चौपाइयां हैं, जिन चौपाई में छुआ छूत, ऊंच नीच, वर्ण के आधार पर लोगों को बंटवारा करना और किसी एक विशेष जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना, ये तुलसीदास दुबे ने ही किया। नहीं तो अब तो संविधान लागू है ना सर। तो देश संविधान से चलता है, लेकिन आखिर जो हमारे देश में नहीं ये आपको, देखिए, आप एक बताइए, आप लोग वैदिक धर्म को, अगर सुनिए मेरी बात, कान खोलकर सुनिए सर, या तो आप जी ब्राह्मण धर्म को मानिए, वैदिक धर्म को मानिए। आपके नेता अखिलेश यादव तो पूजा पाठ करते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं, और वैदिक धर्म को मानते हैं तो उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो वर्ण व्यवस्था उसको मानिए। नहीं, वैदिक शूद्र अछूत वैदिक नहीं, में आप ऐसे थोड़ी होगा, गुड़ खाए गुल्ला से परहेज। आप वर्ण व्यवस्था वैदिक धर्म में भी रहेंगे और आप अपने आप को नहीं, शूद्र अछूत देखिए नहीं देखिए, मानेंगे। हाँ पूजा पूजा एक आस्था का विषय है, पूजा करना एक आस्था का अरे विषय है, भाई, हर मानिए सुनिए 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 मेरी बात, मैं सिख हूं तो मैं गुरुवाणी मानता हूं ना, गुरु नानक साहब को जी मानता हूं। मैं मुस्लिम हूं जी तो इस्लाम मानता हूं ना। मैं जी बुद्धिस्ट हूं तो तथागत बुद्ध को मानता हूं ना। जी तो आप अगर देखिए, वैदिक देख धर्म में रहना चाहते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, तो उनके धर्म ग्रंथों को नहीं मानेंगे? नहीं, हम देखिए, ये देश जो है अब धर्म ग्रंथों से नहीं चल रहा है, ये देश इस समय संविधान से चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए अरे संविधान मैं द्वारा चल धर्म रहा की है, बात और कर रहा हूं सर। संविधान जहां आप लोग, आपको धर्म में शूद्र अछूत कहा गया है तो दो रास्ते, या तो धर्म छोड़ दीजिए या फिर आप उसको जी मानिए। ये नहीं, कह दो देखिए आप गुड़ डॉक्टर खाए भीमराव गुल्ला से, आपको अंबेडकर ब्राह्मण समाज को बुलाना भी है और उनकी बात भी नहीं मानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, मेरा हिंदू धर्म में देना मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। तो जिस तरीके से आपके नेता डॉक्टर तो सुबह शाम चरणामृत लेते हैं, सुबह शाम उस धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म को। तो नहीं, वैदिक, अब उन्हें आप देखिए बताइए ना, पहले मैं वैदिक धर्म को मानूंगा तो मुझे तो वर्ण व्यवस्था उनके, आप ऋग्वेद मानते हैं ना, यजुर्वेद मानते हैं ना, आप मनुस्मृति मानते हैं ना, आप पुराण मानते हैं ना, उपनिषद मानते हैं ना प्रजापति जी, नहीं, हम तो आप मनुस्मृति नहीं आपको मानते हैं। वर्ण व्यवस्था में भी रहना है, नहीं आपको नहीं हम ब्राह्मण मनुस्मृति धर्म भी हाँ मानना है, वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति भी। बाबा साहब ने छोड़ दिया ना, हाँ इसलिए।
हम मनुस्मृति नहीं मानते, और यहाँ व्यक्तिगत में समाजवादी के लिए मैंने वो चौपाई नहीं लिखी थी। मैंने केवल अपने समाज को, क्योंकि मेरे समाज समझ सके, मेरा समाज जागृत हो सके और मेरा समाज ये समझ जाए कि इस रामचरितमानस में हमें हमारी स्थिति नीच की तरह बताई गई है। भाई, एक आप अपने एक एक बात उसमें बताइए, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए प्रजापति जी, साफ साफ मसला है आपके, जी मैं घर खाना खाने आऊंगा, आप मुझे नीच कहेंगे, नीचे बैठाएंगे, मारेंगे, तो मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। तो जिन बिल्कुल नहीं जातियों जाएंगे, को, हाँ जिन जात नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो लेकिन तो जिन ये जातियों को, विरोध, मेरी बात तो सुनिए सर, सवाल तो लीजिए, जिन जातियों जी को वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म में, मनुस्मृति में, भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, जब आप उस धर्म को मानते हैं तो उसकी व्यवस्था को तो मानेंगे ना। नहीं, देखिए वेदों को कोई नहीं पढ़ता अब, आज वेदों को कोई नहीं पढ़ता। अब रामचरित मानस का भी पाठ इस भी धीरे धीरे लगातार कम होता जा रहा है, अरे जिस तरीके से पूरा रामचरित ब्राह्मण मानस का समाज, विरोध पूरा हो रहा है। और ब्राह्मण निश्चित, समाज जो धर्म के जानकार है, वैदिक धर्म के, वो कह रहे हैं कि ये भगवत गीता से आया है वर्ण, भगवान कृष्ण ने वर्ण बनाया है, जातियां बनाई है। नहीं देखिए, धीरे परिवर्तन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, हर चीज का एक समय होता है। मानवर कांशीराम आए, मानवर कांशीराम आए, संतराम बीए आए, ललई सिंह यादव आए, पेरियार जी आए, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय आए, सती आपकी सावित्री बाई फुले आई। हर चीज का एक समय होता है, समय पर ही सारे काम होते हैं। जिस तरीके से अब रामचरितमानस का विरोध शुरू हुआ है, इसी तरीके से अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है जो ऊंच नीच की बात करते हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें भेदभाव है, जिसमें जाति व्यवस्था है, सारे धर्म ग्रंथों पर इसी तरीके से कटाक्ष होना शुरू होगा। और निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा कि ये सारे जो धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि देश में अब धर्मों का, अरे मैंने तो क्या मैं कटाक्ष साफ होगा कहता भाई हूँ, मेरे साहब, घर में आप कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी गई। लालू लालू जी का दोनों बेटा मानता है वो भी शूद्र है, अखिलेश यादव का तो गंगा जल धुलवाए, सुन तो लीजिए, गंगा जल से धुलवाएगा तो अभी शूद्र है, दिन रात वो पूजा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पुजारी के नीचे नहीं बैठते हैं, अखिलेश जी पैरों में जाके बैठते हैं, ये नहीं चलेगा, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। आप लोग को वैदिक धर्म भी मानना है, आप ब्राह्मण समाज के की व्यवस्था को भी नहीं मानेंगे। पेरियार, सुने, देखिए पेरियार ललित सिंह बुद्धिस्ट थे, सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट थे, रामस्वरूप वर्मा ने इंकार किया है, मुलायम ये सब जन्म सिंह, से मुलायम सिंह ये यादव सब कर्मकांड नहीं मानते थे। आप ये अपने नेता को सब समझाइए ना। ये सब जन्म से बुद्धिस्ट नहीं थे कोई भी आप, ठीक है, जितने भी नाम लिए आपने, ललई सिंह यादव, पेरियार, ये जन्म से कोई भी बुद्धिस्ट नहीं था। सभी ने जैसे जैसे महात्मा, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ, कबीर दास को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने धर्म का विरोध करना शुरू किया। कबीर दास से बड़ा कोई पहले, देखिए सबसे पहले तो कबीर ने ही शुरुआत की थी इस चीज की, सबसे ज्यादा रहीम दास जी ने शुरुआत की थी। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता चल गया, वो भी समझने लगे हैं, जब उनके, जब जो देश का अरे सबसे आपके बड़ा माननीय राजनीतिक राष्ट्रीय परिवार है। अध्यक्ष का मैं रोज फोटो निकाल दूंगा, 10 फोटो लगा मेरी दूंगा। मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं इस चीज को, लेकिन आगे समझिए कि उन्हें भी लगने लगा है। अभी जब उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जब 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 उनको मंदिर जाने से रोका गया, जब उनके घर को जो है गंगा जल से धुलवाया गया, तो उन्हें भी समझ में आने लगा है धीरे धीरे करके परिवर्तन होगा, क्योंकि तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और परिवर्तन जब भी होते हैं, सामाजिक परिवर्तन, एक तेजी से कोई भी सामाजिक परिवर्तन नहीं होते हैं, इस बात का हर चीज का गवाह रहा है। कोई भी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है। आपके और नेता की लड़ाई तो लड़ गर्दन चुकी है, काट अलग जग चुकी है। आपके नेता की तो गर्दन काटने की बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहा जा रहा है गर्दन काट देंगे। नहीं तो मैं तो गर्दन काटने की क्यों कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि गर्दन क्यों काटेंगे, वो तो सीधे सीधे ये करें ना, वहीं से भस्म कर दें ना। इतने ही साधु संत हैं, उन पर कोई शक्ति है, उन पर कोई जो है प्रेरणा है, तो वहीं से बैठे बैठे भस्म क्यों नहीं कर देते, क्यों गर्दन काट रहे हैं, अच्छा क्यों 21 लाख ओवरऑल रुपए सुनिए, खर्च करने की ओवरऑल जरूरत है। बताइए कि कितना ओबीसी बदला है, क्या ओबीसी को लगने लगा है कि उसका 97% हिंदुओं को आप बता पाएंगे कि आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है, आपको एसपी डीएम कौन नहीं बनने दे रहा है, क्या नहीं, आप निश्चित रूप से लोग बदल रहा है। तो, ओबीसी तो मुसलमानों को टाइट करने में लगा है, दलितों पर हमले में व्यस्त है। ओबीसी को आज समझ में आ गया है कि असली शूद्र कौन है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपको भी, आपके पहले भी कई बार कुछ लोगों ने बता दिया है, ओबीसी को मानना पड़ेगा असली शूद्र ओबीसी ही है।
क्योंकि तो जब वर्ण व्यवस्था बनी थी तो वर्ण व्यवस्था में दो तरीके की, अनटचेबल और टचेबल। टचेबल अनटचेबल को समझना पड़ेगा। टचेबल लोग शूद्र, शूद्र का काम था सेवा करना, और सेवा करने का मतलब यह है कि व्यक्ति जिसका छुआ हुआ ले सके। तो जो हमारे तीन वर्ण थे वो तीनों वर्ण जो है केवल टचेबल लोगों से ही सेवा कराते थे, यानी कि असली शूद्र तो पिछड़ा वर्ग है। इस चीज को पिछड़ा वर्ग को समझना होगा, और जितनी जल्दी पिछड़ा वर्ग समझ जाएगा उतनी ही जल्दी उसका उसका विकास होगा। नहीं तो देखिए अनटचेबल वालों से तो वो चीज लेते ही नहीं थे। अनटचेबल तो अस्पर्श थे उन चीजों, उनके जो अनटचेबल जातियां, चाहे वो हमारी बोली की सही, चाहे जाटव समाज सही, उन लोगों की तो छुई चीज थे ही नहीं, लेते ही नहीं थे। तो वास्तविक रूप में जो शूद्र है वो शूद्र ओबीसी की जातियां हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात एक्सेप्ट करना करता हूँ कि अभी हमारी जो आ, 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 पिछड़ी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोई क्षत्रिय समझता है, कोई ब्राह्मण समझता है, कोई कुछ ना कुछ अपने सवर्ण में गिनती करता है। लेकिन धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है और सबको समझ में आ रहा है कि हम शूद्र हैं। आज जब भी किसी तरीके के, एक चीज समझ में नहीं आती, धर्म का ठेकेदार के एक दो ही लोग हैं, जब भी इस तरीके की बात होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को धमकी मिलती है किसी विशेष वर्ग द्वारा, मानिए मुझे भी धमकी मिलती है, मानिए हमारे पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति रहे, उन्हें भी धमकी मिलती है। तो धर्म के ठेकेदार क्या आप ही हैं? धर्म के ऐसे धर्म में क्या जिसमें छुआछूत हो, जातिवाद हो, जिसमें पढ़ने की व्यवस्था ना हो? तो कितना सुधार आया है, कितने लोग जो हैं वो अपने हक अधिकार के लिए सजग हैं। देखिए मैं जहां तक है, प्रोफेसर आनंद यादव जी हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, चंद्रशेखर यादव जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके पिताजी हैं, इन सबके जो मिशन चल रहा है, अरे आर गौतम जी हैं, भूपेश बघेल तो कट्टर हिंदू हैं भाई। नहीं, भूपेश बघेल जी के पिताजी तो कहते हैं, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट दिया है, और अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस का वहां पर जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, इस वजह से भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे लगा लगा दिए हैं। बीजेपी ने ईडी लगा दी उनके पीछे अभी से, क्योंकि वो पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों की बात करते हैं। काहे कांग्रेस छापा नहीं मारती थी? देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके अरे से, सुन जितनी भी लीजिए जानकारी है प्रजापति जी, कांग्रेस जो है ना, जी, दल मुलायम सिंह, मायावती, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन पर छापा मारती थी, बीजेपी सब पर मार रही है। ये तो सब नहीं कांग्रेस ये का तो, क्या वो धरा तो है? हमारे राष्ट्रीय, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते भी हैं, और हम भी देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह हैं। दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई की तरह हैं। तू जा तू डाल डाल में पात पात वाली कंडीशन है दोनों की। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ईडी इनका प्रयोग किया है, इस तरीके से कांग्रेस ने उसकी तुलना में अच्छा कम किया प्रजापति जी, था, आपसे मेरा बात ऐसा मानना करके है और अच्छा मैंने लगा। आप देखा है। बताइए कि आपकी क्या कैटेगरी, आप ओबीसी हैं एससी हैं? नहीं, मैं ओबीसी में आता हूँ, पिछड़ी जाति में आता हूँ, टचेबल जिसे कहते हैं। तो आप पिछड़ी जाति में कितना समाज सुधार हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? देखिए मैंने कहा ना, लक्ष्मण यादव जी जैसे हैं और आपके आरपी गौतम जी जैसे लोग जब इस मुहिम को चला रहे हैं, हमारे यहाँ एक आरडी प्रजापति जी हैं, खुलकर के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, बुंदेलखंड में खुल करके धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और सुहानी शाह जैसे लोग आए हैं जिन्होंने ये बता दिया कि इस पाखंडवाद के खिलाफ पूरी तरीके से बोल रहे हैं, और सुहानी शाह ने बता दिया, वो चाहती तो बोले मैं भी करोड़ों रुपए की संपत्ति करके लोगों को धर्म का डर दिखा करके, वो साफ कहती है ये एक प्रकार की कला है। तो इस तरीके का, जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, सुहानी शाह जैसे, आरडी प्रजापति जैसे, आरपी गौतम जी जैसे, लक्ष्मण यादव जी जैसे, भूपेश बघेल जी जैसे, ये जितने लोग, और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपकी मैं नेशनल दस्तक यानी के एक सवाल और नेशनल, कहना, आपके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या है सो बताइए। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैंने पहले ही बता दिया कि जिस दिन से गंगा जल से उनका मकान धुलवाया मतलब गया है, आपके उनके राष्ट्रीय पहली अध्यक्ष, बार सुनिए ये समझ में सुनिए, आया कि हमें अपने शूद्र आपके मानते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सारा कर्म कांड करें, रोज भभूति लगाएं, रोज और दूसरे को कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म छोड़िए। नहीं देखिए अभी दो लोगों पर समाजवादी में पार्टी में कार्रवाई भी की गई है, हालांकि उस कार्रवाई के पीछे उनका पिछले 6-7 महीने का, रोली तिवारी और ऋचा सिंह का, दोनों का पिछले 6-7 महीने से वो पार्टी की जो नीतियां हैं उन पार्टियों की नीति से हट करके काम कर रही थी, और आज उन दोनों को ही पार्टी से बर्खास्त किया गया है, जो कि एक आगे आने वाले भविष्य की समाजवादी पार्टी का संकेत भी है। मैंने भी ये निश्चय किया है कि निश्चित रूप से जिनके नाम आपने लिए थे,
बौद्धिस्ट बने, निश्चित रूप से जब एक धर्म हमें इतना नीच बना देगा तो निश्चित रूप से हम उस धर्म की अब अवहेलना मुझे करेंगे। खत्म कर ले और लीजिए सर, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हैं। पेरियार साहब की जी लाइन है कि जो धर्म आपको नीच कहे उनको लात मार दीजिए। गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट। रैदास ने कहा कि मन गंग चंगा तो कठौती में गंगा। और पूजिए सकल गुणहीना को मत पूजिए, जिसको गुण ही गुण है उसको पूजिए। कबीर साहब ने तो उससे ज्यादा आगे बढ़कर कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मेरे हाथ में नहीं था हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन मेरे हाथ में है कि मैं इस धर्म में व्यवस्था बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारत कुछ भी हो जाए हिंदू धर्म ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। 1920 से हिंदू शब्द आता है। किसी भी वैदिक जिनको ये कहते हैं या पुरानी या जिसको भी ये ब्राह्मण धर्म कहते हैं उसके किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। आपको बता दूं कि शिवाजी महाराज को जिस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं, सोचिए उस समय जाति व्यवस्था थी और उनका राज तिलक नहीं किया गया था, कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने उन पर हमला किया था। तो ये पूरा का पूरा जो 1920 में चलाया गया बाल गंगाधर तिलक के लोगों के हाथ में था, ये मुगलों तक के दौर में रामचरितमानस में एक शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। जब इस देश में जिन्होंने जाति के नाम पर मलाई खाई, जाति के नाम पर मालामाल हुए, जब अंग्रेजों अंग्रेज आए उसके बाद वो हिंदू हिंदू कहने लगे, क्योंकि उनको लग गया था कि वो अल्पसंख्यक हैं। और उसी में शिवाजी महाराज को भी फिट किया गया। अगर शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट थे तो उनका राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ? उनके वंशज साहू जी महाराज के साथ भेदभाव क्यों हुआ? उनके बेटे संभाजी महाराज का कत्ल किसने करवाया? तो मैं फिर कह रहा हूं इन लोगों की चालाकी को समझिए। और धर्म आपका निजी आस्था हो सकता है, आप किसी धर्म को मानिए, अपने महापुरुषों के विचार तो जरूर, गुरु नानक साहब हो, कबीर हो, रैदास हो, फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर, उनको सुनिए समझिए। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में अभी इतनी सलाहियत नहीं है, उनसे बहुत उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया की वजह से समाज जागरूक हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ वोट के लिए हिंदू है, जो कांशीराम साहब ने कहा था। जज क्यों नहीं है, एसपी डीएम क्यों नहीं है, सीएम पीएम क्यों नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक ही जाति का क्यों है? और इसका सॉल्यूशन है जाति जनगणना, कास्ट सेंसस। क्या आपका नेता कास्ट सेंसस पर बोल रहा है? क्या आपका नेता कर्मकांड के खिलाफ बोल रहा है? और क्या आपका नेता आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर है? इसी कसौटी पर अपने नेता को कसिए। कोई जाति में पैदा होने से न दुश्मन होता है न दोस्त होता है, उसका काम कैसा है इस कसौटी पर उसको जरूर कसा जाए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। शुक्रिया प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।